बुलेट सवार इस नौजवान ने हमें गेस्ट हाउस तक पहुंचाया, गेस्ट हाउस के जो लोग थे उनसे मिलवाया और हम गेस्ट हाउस में ठहर भी गए। जाते जाते इस नौजवान ने एक बात कही कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे शहर से ऐसी कोई बैड न्यूज़ लेकर जाओ। आदाब, भिवंडी महाराष्ट्र से बाइक यात्रा जारी है और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं हमारे सामने की तरफ दिल्ली करीब 170 किलोमीटर है और इस तरफ करीब 290 किलोमीटर अमृतसर पंजाब है। आज सवेरे हम करनाल से निकले हैं, करनाल पंजाब में आता है, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर ही समझ लीजिए। करनाल में ठहरे थे, करनाल की एक बात बहुत अच्छी लगी, एक नौजवान से हमने गेस्ट हाउस का पता पूछा, बुलेट सवार इस नौजवान ने हमें गेस्ट हाउस तक पहुंचाया, गेस्ट हाउस के जो लोग थे उनसे मिलवाया और हम गेस्ट हाउस में ठहर भी गए। जाते जाते इस नौजवान ने एक बात कही कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे शहर से ऐसी कोई बैड न्यूज़ लेकर जाओ, इसलिए मैं आपके साथ में यहाँ तक आया कि आपको कोई परेशानी ना हो। अग्रवाल समाज का ये बंदा था और कितनी बड़ी बात कह गया कि हमारे शहर से आप कोई बैड न्यूज़ ना लेकर जाओ, इसलिए हम आपके साथ साथ यहाँ तक पहुँचे। अगर यही सोच पूरे देश में हो जाए, हर समाज के लोगों की हो जाए, तो हमारा देश कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, ज़रा सोचिए। मैं खान फखर आलम।